नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तुषार सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं। 1 BHK का फ्लैट है, मास्टर बेडरूम के साथ, OC रिसोर्ट बिल्डिंग, 4 साल पुरानी बिल्डिंग में, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है और 6 फ्लोर पे फ्लैट अवेलेबल है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम वीडियो का शुरुआत करते हैं डोर डायरेक्शन से। तो ये फ्लैट का जो वास्तु है, अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि ये फ्लैट का जो डायरेक्शन है, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो साउथ ईस्ट आएगा और अंदर आ रहा हूँ तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो जो भी वास्तु देख रहे हैं तो ये वीडियो का जो मैंने बोला है वो देख के ही हमें कॉल करें। 13x10 का लिविंग रूम का साइज आपको मिलता है, 9.5 फुट की सीलिंग हाइट है। उसी के आगे आपको 2.5 फीट की बैल्कनी मिल जाती है। सोसाइटी अगर आपको अलाउ करती है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे फ्लावर बेड वगैरह लगा सकते हैं। लिविंग रूम से आगे बढ़े तो जो पैसेज एरिया होता है, लिविंग अपना किचन, वॉशरूम एंड लिविंग रूम के बीच में, आप देख रहे, ज्यादा वेस्टेज ना करते हुए यहाँ पर 5 फीट का एरिया यूज हुआ है। और यहाँ पर हमारा एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है जिसका साइज आपको मिलेगा 7x4 का। उसी के अपोजिट आपको मिल जाता है मॉड्यूलर किचन, डबल साइड प्लेटफॉर्म के साथ, गैस कनेक्शन बिल्डिंग में आया हुआ है, ये कैबिनेट्स वगैरह बने हुए हैं। इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी नीचे की तरफ कैबिनेट्स है, ये भी कैबिनेट्स बने हुए हैं। इसके आगे आपको मिल जाती है 3 फीट की बैल्कनी जो आप ड्राई स्पेस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको कनेक्शन दिए हुए है वाटर के एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिए हुए। उसी से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम अटैच टॉयलेट के साथ। दोस्तों, जो फर्नीचर आपको फ्लैट में दिख रहा है, जैसे कि सोफा हो गया, बेड हो गया, ये सब मूवेबल फर्नीचर है, सिर्फ किचन एज इट इज रहेगा। 10x10 का बेडरूम साइज है। उसके अलावा आपको यहाँ पर 5 फीट का 2.5x5 का वार्डरोब स्पेस मिल जाता है और अगेन आपको 7x4 का अटैच टॉयलेट के साथ वॉशरूम मिल जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल जाती है 3 फीट की बैल्कनी प्रॉपर एल शेप में। अगर आप वहां से देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एल शेप की बैल्कनी है। दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए, ये फर्निश्ड प्रॉपर्टी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी आपको फर्निश्ड मिले, फर्नीचर तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि बिल्डिंग में OC है, टाइटल क्लियर है, ज्यादा पुरानी सोसाइटी नहीं है, लोकेशन क्या है और लोकेलिटी क्या है। तो दोस्तों, ये नॉन कॉस्मो सोसाइटी है, लोकेशन है इसका रामदेव पार्क, जो नया चर्च बना है रामदेव पार्क में उसके पास ही बिल्डिंग लोकेटेड है। 4 साल पुरानी बिल्डिंग है और इस प्रॉपर्टी पे आप 5% डाउन पेमेंट देके या 2% डाउन पेमेंट देके ऊपर का 98-95% भी लोन ले सकते हो। हमारे तरफ से ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपको 80% लेना है तो 80-20 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे लोकेशन पे और बहुत ही बढ़िया दाम पर आपके लिए लेकर आया हूँ। कारपेट एरिया 450 यूजेबल, 395 आपके एग्रीमेंट में मेंशन है। तो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के विजिट के लिए हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, चाबी हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको विजिट करा देंगे।